गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू पचौरी एमएलटी यूट्यूब चैनल। आप लोग इतने टाइम से डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियोस देख रहे हैं, आज हमारे को जो है एक स्पेशल स्टेन की सीरीज में एक नया स्टेन देखना है, जो कि आपके हेमेटोक्लिन और रियोसिन स्टेन जो यूज करते हैं वो हमारा रूटीन स्टेनिंग होता है। उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर जो मोस्ट कॉमन स्टेन है स्पेशल स्टेनिंग के तौर पर यूज करते हैं वो आपका पीरियोडिक एसिड सिर्फ स्टेन होता है। ठीक है, ये आपके डीएमएलटी और बीएससी एमएलटी के एग्जामिनेशन में अगर आपको बेसिक हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेन के लिए पूछा जाए तो मैक्सिमम टाइम आपको जो पास स्टेनिंग जो है वो पूछी गई है, और अगर आपसे नहीं भी पूछी जाती है तो अगर आपको स्पेशल स्टेन पूछा जाए तो आप पास स्टेनिंग के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे को पास स्टेनिंग का पर्पस, उसका प्रिंसिपल क्या है और इसके अलावा इसके प्रोसीजर और रिजल्ट्स के बारे में देखना है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने हेमेटोक्लिन और रियोसिन स्टेन के ऊपर बनाया था, तो लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लें और जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पीरियोडिक एसिड सिर्फ स्टेन है अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक एसिड सिर्फ नाम जो है शॉर्ट में इसको पास स्टेन बोलते हैं और पूरा नाम आपका पीरियोडिक एसिड सिर्फ है। तो इसके अंदर क्या है कि बेसिकली पास स्टेनिंग हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए। जैसा हमने पहले लिपिड की स्टेनिंग देखी थी कि ऑयल रेड या फिर सूडान ब्लैक के द्वारा अपन लिपिड को स्टेन कर रहे थे, ऐसे ही हमारे टिश्यूज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या ग्लाइकोजन है, स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, इनके अंदर हमारे को जो है कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए जिस स्टेनिंग का यूज करना होता है वो आपकी पास स्टेनिंग होती है। ठीक है, तो मेन चीज तो ये हो गई कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको डिटेक्ट करना है। अब हमारे को क्या होता है कि इसका पहले तो हम ये जाने कि प्रिंसिपल क्या है, एम तो हमको पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन के लिए कर रहा है, बट इसका प्रिंसिपल क्या है, वो स्टेनिंग हमारे किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है कि टिश्यू स्ट्रक्चर लाइक लीवर, हार्ट, स्ट्रिएटेड मसल्स आर स्टेन्ड बाय द पास, यानी कि पीरियोडिक एसिड सिर्फ स्टेन के द्वारा ये स्ट्रक्चर्स जो है आपके हार्ट है, हार्ट की मसल है, स्ट्रिएटेड मसल्स, इसके अलावा आपके लीवर में ग्लाइकोजन, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है पास स्टेनिंग यूज करते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक एसिड जो होता है वो आपके क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाने वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और देन फर्दर अपन क्या है उसमें सिर्फ रिएजेंट ऐड करेंगे तो हमारे को पर्पल रेड या रेड कलर आपको अपीयर होता है। ठीक है, इसमें काउंटर स्टेन के तौर पर आप हेमेटोक्लिन यूज करते हैं, हैरिस हेमेटोक्लिन, और इसके अलावा आप जो है फंगस की स्टेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लाइट ग्रीन एसएफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम रिएजेंट में पढ़ेंगे इसके अंदर कि रिएजेंट में आपको 0.5% पीरियोडिक एसिड लेना है, सिर्फ रिएजेंट लेना है, इसके अलावा 1 नॉर्मेलिटी का आपको जो है एचसीएल लेना है, इसके अलावा 0.1 ग्राम लाइट ग्रीन आपको 100 ml एसिटिक एसिड के अंदर लेना है। ठीक है, ये बेसिकली जब लाइट ग्रीन का काउंटर स्टेन आपको लेना होता है जब जब आप फंगस की स्टेनिंग कर रहे हैं, अगर रूटीन आप जो है हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है बेसिकली हैरिस हेमेटोक्लिन ही लेकर के चलना है। तो आपका ये जो हैरिस हेमेटोक्लिन है ये क्या है, आपके जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड जिनमें हमारे को टिश्यूज के अंदर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वहां पर तो आप इसको यूज कर रहे हैं, और फंगस की स्टडी जब आपको करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, लाइट ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं कि इट इज यूज फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल बायोप्सी एग्जामिनेशन। ठीक है, और जबकि ये वाला है ये किसके लिए, आपके माइक्रोबायोलॉजी की स्टेन के लिए, फंगस के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रोसीजर कि कैसे हमारे को ये परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको जो है जो टिश्यू सेक्शन का प्रोसेसिंग जो हमारा है वो प्रीवियस प्रोसेसिंग सबके लिए सेम रहेगा। स्टेनिंग प्रोसीजर में आकर के हम पहले सेक्शन को डीपैराफिनाइज करते हैं, देन उसके बाद हाइड्रेशन का प्रोसीजर करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। देन इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके बाद इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे, और देन उसके बाद उसको 0.5% पीरियोडिक एसिड के साथ क्या करना है, स्टेन करना है। ठीक है, 0.5% पीरियोडिक एसिड के साथ, आप टाइमिंग स्पेशल है, ध्यान रखें 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। देन उसके बाद आप उसको वाटर से 2 मिनट के लिए वॉश करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएजेंट कौन सा, सिर्फ रिएजेंट, उसको आप क्या करोगे, स्टेनिंग सॉल्यूशन को डालोगे। ठीक है, 10 to 15 मिनट के लिए आप सिर्फ रिएजेंट को डालते हो, और देन उसके बाद उसको टेप वाटर से 10 मिनट के लिए क्या करना है, वॉश करना है। और जब आप वॉश कर रहे हो तो आपको स्लाइड में पिंक कलर अपीयर होना चाहिए, जब तक आपको स्लाइड को क्या करना है, वॉश करते रहना है। ठीक है, इसमें सिर्फ रिएजेंट के लिए एक चीज बता दूं कि ये आपको जो है सिर्फ रिएजेंट बेसिकली देखें तो ये आपको स्ट्रॉ कलर का मिलता है। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है सिर्फ रिएजेंट, आपको जैसे मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी जैसे कलर का आपको देखने को
मिलता है और फ्रेशली प्रिपेयर अपन इस्तेमाल इसको करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये वाटर में वॉश करने के बाद अपन ने काउंटर स्टेन जो यूज किया है वो हेरे सेमेटोक्सिलिन है, इसके जगह आप जो है लाइट ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड, के हमारे को क्या नीड है, फंगस डिटेक्ट करना है तो लाइट ग्रीन और नहीं तो हेरे सेमेटोक्सिलिन। देन इसके बाद आप क्या करोगे, 1 से 3 मिनट के लिए हेरे सेमेटोक्सिलिन से काउंटर स्टेन करने के बाद आप उसको डिहाइड्रेट करोगे और देन उसके बाद क्लियर करके उसको, क्लियरिंग किससे करेंगे, जाइलिन से करेंगे, डिहाइड्रेट एल्कोहल से करेंगे और लास्ट में आपको इसको माउंट कर देना है। माउंटिंग के लिए आपको मोस्ट कॉमन मीडिया आपको पता है DPX जो है, जिसके द्वारा आपको माउंटिंग करनी होती है और उसके बाद आप 100x के अंदर इसको देखेंगे तो आपको जो है रिजल्ट में ब्लू कलर का न्यूक्लियर अपीयर होगा और साथ ही साथ ग्लाइकोजन है, म्यूसिन है, हाइड्रोलिक एसिड है और जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हेपरिन वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपको क्या होगी कि पर्पल रेड कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको रिजल्ट कब देखने को मिल रहा है, जब हेमेटोक्सिलिन इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह लाइट ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पेल बैकग्राउंड के साथ में जो है ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा स्टेन पीरियोडिक एसिड सिर्फ, इसके अलावा अदर जो स्टेनिंग जैसे कि वॉन जेसन स्टेन, वॉन कॉसा स्टेन और इसके अलावा जो अदर और भी स्टेनिंग जो अपन यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो स्टेनिंग यूज की जाती है, सभी स्टेन्स के बारे में अपन वन बाई वन पढ़ेंगे। इसके अलावा साइटोलॉजी में सोर्स स्टेन है और भी अदर कई सारे स्टेन होते हैं अपन, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट स्टेन हैं उनको अपन आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, थैंक यू सो मच।